हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे केले की सब्ज़ी, जिसको मैं बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी और इसे सरसों डाल के बनाऊंगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कच्चा केला ले लिया है, इसे धो लिया है। धो के इसे काटने का मैं एक ट्रिक बता दी हूँ कि इसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसे कट किया है। ये बहुत ईजिली इस वे में कट जाता है, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और हाथों में सरसों का तेल ज़रूर लगा लें। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी वे में मेरा ये केला छील गया है। तो आप इस तरह से जब भी केला छीलें तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं फ्रेंड्स। अब मैं इसके दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही छील लूँगी। अगर आप इस तरह से केले की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही यम्मी बनती है फ्रेंड्स। सरसों डाल के इसको बनाने पर बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरे दोनों केले छील चुके हैं। अब मैं इनको बीच से काट लूँगी, स्लाइस, बिल्कुल स्लाइस करके काटूँगी। इस शेप में काटने से सब्ज़ी देखने में बहुत ही यम्मी लगती है और खाने में टेस्टी भी लगती है। तो आप कच्चे केले की सब्ज़ी बनाएं तो इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करें। यहाँ मैंने आधा आलू ले लिया है, आलू को भी मैं स्लाइस करके काट लूँगी। यहाँ मैंने आलू का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि बच्चे अक्सर केला खाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसको मैंने स्लाइस में इसलिए काटा है ताकि बच्चा एक ही शेप में देखकर केले को खा सके आलू समझ के। तो बस मैंने इसी ट्रिक को यहाँ यूज़ किया है और ये कामयाब भी होता है। तो यहाँ मेरी सारी सब्ज़ी कट चुकी है। इन सब्ज़ियों को मैंने एक पानी फिर से धो लिया था काट के। अब यहाँ मसाले को मैं देख लेती हूँ। तो एक प्याज ले लिया है मैंने और 7-8 लहसुन की कलियाँ और पीली वाली सरसों लिया है। आप चाहें तो काली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। सबको मैंने पीस लिया है, प्याज को अलग पीस लेंगे और सरसों और लहसुन को अलग पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैंने केले और आलू को फ्राई कर लिया है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें। जब तेल हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तब हमें इसे डालना होता है, क्योंकि केला चिपकता है अगर कढ़ाई गर्म नहीं रहती है तो। तो आप देख सकते हैं हमें इतना ही इसे फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसे हमें मसाले में पकाने हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल लिया है और एक एक करके मैंने सबको फ्राई कर लिया है। अब एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे बची हुई ये तेल। यहाँ हमारी तेल गर्म हो चुकी है, मैंने डाला है 5 फ़ोरन, 3 तेज़पत्ता, लाल मिर्च और सरसों के दाने खड़े मसाले में। ये जब चटकने लगे तो उसमें हमने डाला है पिसा हुआ प्याज। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ और इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। मीडियम आंच पे इसे हम भूनेंगे। यहाँ मैंने प्याज को बारीक नहीं पीसा है, इसे थोड़ा दरदरा रखा है। तो इस तरह से हम अगर प्याज को पीस के डालते हैं तो हमारी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। यहाँ मैंने सरसों के पेस्ट को और लहसुन के पेस्ट को डाल दिया है जो मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। लगे हाथों मैंने मसाले भी डाल दिए हैं। यहाँ 1 चम्मच हल्दी डाला है, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने कलर के लिए, और 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट तक पकाएँगे। जब तक पकाएँगे तब तक कि मसाले हमारे तेल ना छोड़ दें। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे क्योंकि मसाले हमारे जल जाएंगे। यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से डालें। मैंने 2 ग्लास यहाँ पानी डाला है क्योंकि सब्ज़ी डालने के बाद ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ नमक भी डाला है क्योंकि नमक पहले भी 1/2 चम्मच डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और जब इसमें उबाल आ जाए तो हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए केला और आलू। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को डाल दिया है मसाले में, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के मीडियम आंच पे 5 मिनट पकाएंगे। केला को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि 70% मैंने तेल में ही कुक कर लिया था इसे फ्राई करते टाइम। और अब इसे ढक के पकाएंगे, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि मसाले ने कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, सब्ज़ी का कलर आप देख सकते हैं। फिर मैंने 2 मिनट के लिए इसे ढक के पकाया था और फिर बीच बीच में मैं इसे चलाती रही। हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि केला टूटने का डर रहता है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें चलाना है। और फिर मैंने 2 मिनट ढक के इसे पका लिया था। यहाँ मैं डालूँगी स्लाइस किए हुए 3-4 हरी मिर्च और इसे हल्के हाथों से चला लूँगी कलछी से। यहाँ पे मैंने डाला है कसूरी मेथी और इसे ढक के पकाए हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट पकाया था। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ आमचूर पाउडर डाला है क्योंकि मैंने इसमें टमाटर का यूज़ नहीं किया है। वैसे भी टमाटर इतनी महंगी हो चुकी है तो आप जब भी सब्ज़ी बनाएं तो आमचूर पाउडर का यूज़ करें, इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और जब भी आप टमाटर डाल के सब्ज़ी बनाते हो और उस जगह पे आमचूर पाउडर का यूज़ करते हो तो कोई अंतर उस सब्ज़ी में नहीं होता है, बिल्कुल टमाटर जैसी ही सब्ज़ी का टेस्ट होता है, तो इसलिए आप आमचूर पाउडर का यूज़ करें। तो यहाँ तैयार है मेरी केले की सब्ज़ी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करें। एंड मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कुकिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।